नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर जी ने घोषणा कर दी है कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। अब अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी आजाद समाज पार्टी। अखिलेश यादव जी के साथ जो गठबंधन की अटकलें पिछले एक महीने से लगातार जारी थी अब वो समाप्त हो चुकी है। दोनों के बीच में कोई भी गठबंधन नहीं होने वाला है। चंद्रशेखर जी ने जहां अखिलेश यादव जी पर दलित विरोधी होने का, दलितों के अपमान करने का और भ्रमित करने का आरोप लगाया है, वही अखिलेश यादव जी ने भी एक बयान जारी कर दिया है। आज अखिलेश यादव जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बयान जारी करा है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। उनका कहना है, हमारी पिछले एक महीने से बात तो हो रही थी और मैंने RLD से बात करने के बाद मनिहारन की सीट, रामपुर मनिहारन की सीट और उसके साथ गाजियाबाद की सीट, जिला गाजियाबाद की सीट भी छोड़ दी थी। दो सीटें चंद्रशेखर के लिए छोड़ दी थी, दो सीटें आजाद समाज पार्टी को देने को तैयार थी, लेकिन फिर उनको किसी का फोन आया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को किसी का फोन आया और फोन पे क्या बात हुई और किससे बात हुई मुझे नहीं पता, जिसके बाद चंद्रशेखर ने गठबंधन करने से मना कर दिया और कहा कि मेरा संगठन मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। आपने उनको एक महीने के लिए लटका के रखा और उसके बाद आपने उनको सम्मान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय RLD से बात करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। दो सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं। वीडियो आपने देखा जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को फोन आया और फोन पे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा संगठन मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है गठबंधन करने की और मैंने दो सीटें उनके लिए छोड़ चुकी थी पहले से ही। तो दोस्तों अखिलेश यादव जी का बयान भी आ चुका है, चंद्रशेखर जी भी कह चुके हैं कि दलितों को सम्मान नहीं देना चाहती है समाजवादी पार्टी या उसका गठबंधन, दलितों के विरोध काम करने वाली है और चंद्रशेखर जी अब अकेली चुनाव मैदान में उतरेंगे, अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। तो दोस्तों चंद्रशेखर को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए।